स्वामी जी महाराज श्री रामचरित मानस के प्रारंभ में वाणी और विनायक इन दोनों की वंदना करते हैं। जो भिन्न भिन्न संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, जैसे वैष्णव, शाक्त, सौर, शैव, वो ग्रंथ के प्रारंभ में अपने इष्टदेव की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी के इष्टदेव तो श्री रामचंद्र, श्री सीता रामचंद्र भगवान है, परंतु इन्होंने ग्रंथ के प्रारंभ में सरस्वती और गणेश की वंदना की। ये स्मार्त परंपरा है। स्मार्त परंपरा है माने ग्रंथ के प्रारंभ में वाग देवी की वंदना करना, अथवा निर्विघ्नता से पूर्ण होने के लिए गणेश की वंदना करना, ये स्मार्तों की परंपरा में है। और बात इसमें है कि मूलाधार चक्र में परावाक का निवास है। ये वाणी जो है ना, ये क्रम क्रम से नीचे जाती है। वो वैखरी देवी जीभ में जब जोर से बोलते हैं, और फिर मध्यमा वाणी कंठ में, पश्यंती वाणी हृदय में, और परावाणी मूलाधार में। तो ध्यान करते करते परावाणी में जब पहुंच जाते हैं तब उपासकों की समाधि लगती है। और गणेश जो हैं उनके लिए क्या करना पड़ता है कि मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत ऊपर जाना पड़ता है। तो ऊपर से नीचे तक विराजमान, जैसे षटचक्र है तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, और उसके बाद गुरुस्थान। तो मूलाधार में गणेश और वाणी दोनों एक साथ रहते हैं, और वहां से जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो वाणी और विनायक जा करके गुरु स्वरूप गणेश में मिल जाते हैं। तो ये गणेश जो हैं, गणानांत्वा गणपतिम हवामहे, ऐसे वेद में मंत्र आता है ना, निशुसीद गणपते गणेशु, ये प्रज्ञा के देवता हैं। तो हमारी प्रज्ञा भी शुद्ध हो और वाक भी शुद्ध हो, इसके लिए दोनों के अधिपति का वंदन श्री गोस्वामी जी ने पहले किया है। बोलिए हनुमान।